आपके सवाल की तरफ अगर आएँ तो जैसे कि आपने पूछा है तो इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि देखें मोर देन 300 कैडेट्स इस वक्त अगर अंडर ट्रेनिंग है पाकिस्तान नेवल एकेडमी में तो ये एजाज़ हासिल करने के लिए हर कैडेट्स की ख्वाहिश होती है, लेकिन जाहिर है 300 कैडेट्स में से अगर आपने 48 कैडेट्स का इंतखाब करना है तो उसके लिए क्राइटेरिया आपको रखना पड़ता है ताकि मेरिट के ऊपर सिलेक्शन का हक रखते हैं। सही इंशाल्लाह, ये बताइएगा कि एक नज़रिए के मुताबिक आर्म फोर्सेस की जो ट्रेनिंग है ये समझा जाता है कि बहुत मुश्किल है और ऐसा है भी, बहुत कठिन मराहल से गुजर कर एक फ़ौजी जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम देता है, यहाँ तक पहुँचता है कि उसको डेकोरेटेड ऑफिसर का रुतबा मिलता है। क्या ख़वातीन के लिए ये ट्रेनिंग करना मुश्किल है, और अगर नहीं मुश्किल तो मोटिवेशन का लेवल कितना हाई होता है? मोटिवेशन लेवल इस हद तक हाई होता है कि चाहे आप उन्हें किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना करवा दें, वो आपको मेल क्रेडिट्स की तरह मिले। जो जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। तो जब एक मकसद हमारी जिंदगियों से अटैच हो जाता है कि हम एक मुकद्दस रुतबे और मुकद्दस ओहदे पर फाइज हैं तो वो चैलेंजेस और मुश्किलात कुछ भी मायने नहीं रखते। सही, इस वक्त गार्ड कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर फाहद सलीम गार्ड की जिम्मेदारी संभालने वाले कैडेट्स को उन्होंने अहकाम जारी किए हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं कि 8 कैडेट्स वो अपनी सफ में से बाहर निकले हैं और वो आहिस्ता चल के मार्चिंग स्टाइल में मज़ार कायद की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें से 4 कैडेट्स मज़ार के बैरूनी चारों किनारों के ऊपर अपनी पोजिशन संभालेंगे जबकि 4 कैडेट्स अंदरूनी हिस्से में अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए पहुँचेंगे। आपको बताते चलें कि मज़ार कायद से ये खूबसूरत मनाजिर आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं जहां पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स अपनी एजाजी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर यासिर, ये बताएं कि पाकिस्तान नेवी का कोस्टल एरियाज़ की बेहतरी और बहाली में भी बहुत अहम किरदार रहा है, इस हवाले से मज़ीद हमें आगाह कीजिएगा कि कोस्टल एरियाज़ की जो देखभाल है उसे किस तरह सर अंजाम दी जाती है? देखें, पाक बैरिया पाकिस्तान की समंदरी सरहदों की हिफाजत के साथ साथ जितना भी हमारा कोस्टल एरिया है, कोस्टल बेल्ट है जो कि सर क्रीक से लेकर जिवनी तक फैला हुआ है, उस पर पाक बैरिया की मौजूदगी है, हर जगह उसके बेसिस हैं और इंस्टॉलमेंट्स हैं। और पाक बैरिया को ये एजाज़ भी हासिल है कि जहाँ पे भी पाक बैरिया की मौजूदगी है वहाँ पे न सिर्फ अपनी दिफाही ज़रूरियात और दिफाही जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है बल्कि उस एरिया की अपलिफ्ट, सोशल अपलिफ्ट के लिए, उसकी तालीम के लिए और उसकी सेहत के लिए भी पाक बैरिया ने गिरा किधर खिदमात सर अंजाम दी हैं। बिलखसूस आप देखें तो बलोचिस्तान का जो कोस्टल एरिया है उसमें पाक बैरिया की बड़ी खिदमात हैं, ख़ासतौर पर हेल्थ और एजुकेशन के शोबे में। आप और मारा में देखें तो पाक बैरिया ने वहाँ कैडेट कॉलेज और मारा के नाम से एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट कायम किया है और उसकी खास बात यह है कि जो बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ बिल्कुल फ्री एजुकेशन फ्राहम की जाती है और इस कैडेट कॉलेज से ट्रेन होने वाले जो बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कैडेट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की फोर्सेज को ज्वाइन किया है और वहाँ ऑफिसर्स के तौर पर उन्होंने अपनी शमूलियत को यकीनी बनाया है। तो इस तरह जो मेन धारे में शामिल करने के लिए पॉपुलेशन को, आवाम को, पाक बैरिया अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। जो आप मनाजिर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की एजाजी गार्ड में हिस्सा लेने वाले कैडेट्स मज़ार कायद पर अपनी पोजीशन संभाल चुके हैं। जब से पहले से मौजूद गार्ड के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले पाक बैरिया के सेलर्स अपनी जगह से इस वक्त वापस जा रहे हैं। इस मौका पर बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल जो आपने मुसल्ला अफवाज के बारे में फरमाया है मैं यहाँ पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। जी, आप अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हुए 14 जून 1948 में कोयटा में आपने फरमाया
कि हमारी अफवाज के हौसले काबिल फ़ख्र हैं, उनकी हिम्मतें बुलंद हैं और सबसे ज़्यादा इत्मीनान बख्श बात यह है कि हर अफसर और सिपाही सच्चे पाकिस्तानी की तरह काम कर रहा है। अगर आप इसी जज्बे से सच्चे रफीकों की तरह बेगरजी से काम करते रहे तो फिर पाकिस्तान को किसी बात का डर नहीं है। बहुत खूबसूरत बात, और बाबा कौम की खिदमत की बात की जाए तो उन्होंने जो हमारे लिए मुल्क हासिल किया, बेशुमार कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल किया गया, और इसे जितना सराहा जाए, जितना जिक्र किया जाए, जितनी बात की जाए उतना कम है। इंशाल्लाह ईद पार्टी आहिस्ता चल के मार्चिंग स्टाइल में चलती हुई आ रही है। मेहमान खसूसी मजार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाएंगे। मैं खवातीन की बात करें तो एक तरफ घरदारी है, घर गृहस्थी है, उसे भी देखना बहुत ज़रूरी है, फिर एक तरफ ड्यूटी हमेशा तैयार रहती है, कॉल करती है, बुलाते हैं, किस तरह मैनेज करती हैं खवातीन? क्योंकि मुश्किल हो जाता होगा यकीनन कि घर गृहस्थी भी देखना और फिर इतनी इम्पोर्टेंट जॉब को भी बखूबी निभाना। जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि जब इंसान की ज़िंदगी से एक मकसद अटैच हो जाता है तो अल्लाह ताला खुद ब खुद आपको हिम्मत और उस सलाहियतों को चार चांद लगाने का जज्बा बख्श देता है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस रखना बिलाशुबा एक बहुत ही मुश्किल तरीन काम है, लेकिन मैं समझती हूँ कि लेडी ऑफिसर से ज़्यादा इस काम को अहसन तरीके से कोई अंजाम नहीं दे सकता, और वो प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको आगे बढ़ते हुए नजर आएंगी और पर्सनल लाइफ में भी, यानी कि उनकी जो ग्रूमिंग होती है, उनकी जो ट्रेनिंग होती है, वो मेंटली और फिज़िकली इतनी स्ट्रांग होती है कि वो पर्सनल लाइफ में भी कोई खलल आने नहीं देती और ना ही प्रोफेशनल लाइफ में कभी पीछे हटती है। सही, बहुत खूबसूरत बात। आप देख सकते हैं कि मेहमान खसूसी ने मज़ार क़ायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और अब वो फातिहा खानी करेंगे। بسم الله الرحمن الرحيم मज़ार क़ायद से ये खूबसूरत मनाज़र आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। अब पाकिस्तान मेहमान खसूसी मेहमानों की किताब में अपने तासरात कलम बंद करेंगे। तो जब एक मकसद हमारी ज़िंदगियों से अटैच हो जाता है कि हम एक मुकद्दस रुतबे और मुकद्दस अहदे पर फाइज हैं तो वो चैलेंजेस और मुश्किलात कुछ भी मायने नहीं रखते। सही। इस वक्त गार्ड कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर फाहद सलीम गार्ड की जिम्मेदारी संभालने वाले कैडेट्स को उन्होंने अहकाम जारी किए हैं, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि 8 कैडेट्स वो अपनी सफ में से बाहर निकले हैं और वो आहिस्ता चल के मार्चिंग स्टाइल में मज़ार क़ायद की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें से 4 कैडेट्स मज़ार के बैरूनी चारों किनारों के ऊपर अपनी पोजीशन संभालेंगे, जबकि 4 कैडेट्स अंदरूनी हिस्से में अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए पहुँचेंगे। आपको बताते चले कि मज़ार क़ायद से ये खूबसूरत मनाज़र आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, जहाँ पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स अपनी एजाजी ज़िम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं।
लेफ्टिनेंट कमांडर यासर, ये बताएं कि पाकिस्तान नेवी का कोस्टल एरियाज़ की बेहतरी और बहाली में भी बहुत अहम किरदार रहा है, इस हवाले से मज़ीद हमें आगाह कीजिएगा कि कोस्टल एरियाज़ की जो देखभाल है उसे किस तरह सर अंजाम दी जाती है। देखिए, पाक बैरिया पाकिस्तान की समंदरी सरहदों की हिफाजत के साथ साथ जितना भी हमारा कोस्टल एरिया है, कोस्टल बेल्ट है जो कि सर क्रीक से लेकर जिवनी तक फैला हुआ है, उस पर पाक बैरिया की मौजूदगी है, हर जगह उसके बेसेस हैं और इंस्टॉलमेंट्स हैं। और पाक बैरिया को ये एजाज़ भी हासिल है कि जहाँ पर भी पाक बैरिया की मौजूदगी है वहाँ पर न सिर्फ अपनी दिफाही ज़रूरियात और दिफाही जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है बल्कि उस एरिया की अपलिफ्ट, सोशल अपलिफ्ट के लिए, उसकी तालीम के लिए और उसकी सेहत के लिए भी पाक बैरिया ने गिरा के दर खिदमात सर अंजाम दी हैं। बिलखसूस आप देखें तो बलोचिस्तान का जो कोस्टल एरिया है उसमें पाक बैरिया की बड़ी खिदमात हैं, ख़ास तौर पर हेल्थ और एजुकेशन के शोबे में। आप और मारा में देखें तो पाक बैरिया ने वहाँ कैडेट कॉलेज और मारा के नाम से एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट कायम किया है और उसकी ख़ास बात यह है कि जो बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ बिल्कुल फ्री एजुकेशन फ्राहम की जाती है। और इस कैडेट कॉलेज से ट्रेन होने वाले जो बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कैडेट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की फोर्सेस को ज्वाइन किया है और वहाँ ऑफिसर्स के तौर पर उन्होंने अपनी शमूलियत को यकीनी बनाया है। तो इस तरह जो मेन धारे में शामिल करने के लिए पॉपुलेशन को, आवाम को, पाक बैरिया अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। जो आप मनाजिर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की एजाजी गार्ड में हिस्सा लेने वाले कैडेट्स मज़ार कायद पर अपनी पोजीशन संभाल चुके हैं। जब से पहले से मौजूद गार्ड के फ़राइज सर अंजाम देने वाले पाक बैरिया के सेलर्स अपनी जगह से इस वक्त वापस जा रहे हैं। इस मौका पर बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल जो आपने मुसल्ला अफवाज के बारे में फरमाया है मैं यहाँ पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। जी, आप अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हुए 14 जून 1948 में कोयटा में आपने फरमाया कि हमारी अफवाज के हौसले काबिल फ़ख्र हैं, उनकी हिम्मतें बुलंद हैं और सबसे ज़्यादा इत्मीनान बख्श बात यह है कि हर ऑफिसर और सिपाही सच्चे पाकिस्तानी की तरह काम कर रहा है। अगर आप इसी जज्बे से सच्चे रफीकों की तरह बेगरजी से काम करते रहे तो फिर पाकिस्तान को किसी बात का डर नहीं है। बहुत खूबसूरत बात, और बाबा कौम की खिदमत की बात की जाए तो उन्होंने जो हमारे लिए मुल्क हासिल किया, बेशुमार कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल किया गया और इसे जितना सराहा जाए, जितना जिक्र किया जाए, जितनी बात की जाए उतना कम है। इंशाल्लाह।